तकरीबन 60 साल पहले के हिंदुस्तान के गांव में बच्चों की तफरीही आसाइश कुछ इस तरह की ही हो सकती थी। गांव के तालाबों में होते लगाना, गिल्ली डंडा खेलना या फिर दरख्तों की ऊंचाइयों को फतेह करके अपनी ताकत परवाज पर फख्र करना। यकीनन उस जमाने में ऐसे इलाकों के बच्चों की कुल जमा सोच ऐसी ही होती थी। उनके तखयलात की दुनिया नहायत महदूद होना लाजमी थी। लेकिन अगर इनमें से किसी बच्चे ने बड़े होकर न सिर्फ अंदरून मुल्क बल्कि बैरून मुल्क ऐसी ऐसी बुलंदियां सर की हों कि ज़माना उसकी तारीफ में कुछ इस तरह के कसीदे पढ़े। मैं तो उन्हें बहुत अजीम शख्सियत मानता हूँ, और वो देहात से निकले और बड़ी ऊंचाई उन्होंने हासिल की। मुझे बहुत फख्र होता है कि वो हमारे घर के हैं, मेरे चचा हैं, और मैं सोचती हूँ कि मतलब मैं भी कुछ ऐसा करूँ कि मैं उनके जैसी हो जाऊँ। या फिर इस तरह की तारीफें करे। बिल्कुल, हमें बेसिक एकदम जैसे हम बच्चे हैं बिल्कुल उस वहाँ से शुरू किया, और उनकी लैब्स होती थी और जब तक हमें उनके वो स्लाइड हमें प्रैक्टिकल करवाते थे, जब तक हमें उसमें दिखता नहीं था जो चीज़ वो दिखाना चाहते थे तब तक हमें वो छोड़ते नहीं थे। सर हमको एक फील्ड पर ले गए थे और वहाँ पर आप सर ने हमको बर्ड्स दिखाई जिस तरीके से दिखाई थी, और जो सर का दिलचस्प अंदाज था दिखाने का उससे हम बहुत मुतासर हुए। या फिर इस तरह के ख्यालात का इजहार करें। उनके अचीवमेंट्स देखें, उनके अवार्ड्स देखें। भाई देखिए, इंडिया में जितनी साइंटिफिक अकेडमीज़ हैं, इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी है, इंडियन अकेडमी ऑफ साइंसेज है, नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज है, नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज, सब की फेलोशिप है। कई मसाइल, कई चैलेंजेस उनके सामने थे, मगर बड़ी खुशी की बात यह है कि उन्होंने उनको बड़ी खुश उसलूबी के साथ और सब्र तहम्मुल मैं कहूँगा, क्योंकि कई दुश्वारियाँ इनके पेश आती रहीं इनके रास्ते में, उन्हें उन्होंने दूर किया, और ये कोई मामूली कारनामा नहीं है। तो यकीनन वो शख्सियत खुद बाइस तहकीक बन जाती है। जी हाँ, आज जिस मायानाज शख्सियत का जिक्र हम करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रोफेसर शमीम जयराजपुरी। मशरक़ी उत्तर प्रदेश का ज़िला आज़मगढ़ एक मर्दुम खेज इलाका है। इस सरजमीन ने उर्दू ज़बान व अदब को वो गौहरे नायाब दिए हैं जिस पर तारीख हमेशा फ़ख्र करती रहेगी। इसी ज़िले का एक गांव जयराजपुर भी है जिसकी वजह शोहरत अपने वक्त के जैयद आलिम मौलाना मोहम्मद असलम जयराजपुरी थे। प्रोफेसर शमीम जयराजपुरी का ताल्लुक भी इसी खानवादे से है। शमीम जयराजपुरी ने 8 अप्रैल 1942 को इस मजहबी और इल्मी खानदान में आग खोली। उनके वालिद डॉक्टर मोहम्मद मुअज्जम इस इलाके की बेहद मकबूल और काबिल एहतराम शख्सियत थे। घर पर रिवायती दीनी तालीम के साथ शमीम जयराजपुरी की इब्तदाई तालीम का सिलसिला भी शुरू हुआ और बाद में शिबली हाई स्कूल में उनका दाखिला हुआ। 1955 में हाई स्कूल करने के बाद 1957 में इंटरमीडिएट मुकम्मल किया। वो उनकी हाबी थी बचपन से परिंदों में, पौधों में, और यहाँ तक कि जो नए पत्ते जो खजा के बाद निकलते हैं, ये पकड़ का पेड़ यहाँ था, वो उनकी एक शाख बनी हुई थी, उस पर उन्होंने शमीम जयराजपुरी खुद लिखा था। वो फल उसका खाते थे, आते थे छुट्टियों में, और वो बाद में इतना बड़ा बढ़ करके हो गया कि वो बहुत बड़ा नाम, एक समझ लिए कि एक शनाक थी, लेकिन वो कटवा गया पेड़। तो वो इन सब चीज़ों से नेचुरली वो बहुत जुड़े हुए थे, जिसके बाद उनके वालिदैन ने उन्हें अलीगढ़ भेजने का फैसला किया। मैं शिबली कॉलेज से पढ़ने के बाद मुझे कुछ एहसास भी नहीं हुआ कि मैं किसी दूसरी जगह आया हूँ, लेकिन एक बात है कि यहाँ आकर इतने ज़्यादा एकदम से दोस्त बने और बहुत अच्छा लगा। वो ज़माना 1957 का, आज से 51 साल पहले की बात है, मुझे बहुत अच्छा लगता था, और वो ज़माना अलीगढ़ का बहुत ही मैं समझता हूँ सुनहरा दौर था।
महंगाई भी कुछ नहीं थी और लड़के भी एक दूसरे को टूट के चाहते थे और भाईचारा इतना ज़्यादा था कि आप सोच भी नहीं सकते थे। यहाँ की एक एक ईंट से हर बच्चा प्यार करता था, दरख्तों की एक एक पत्ती से प्यार करता था, तमाम बिल्डिंगों पर जान निछावर करते थे। तालीमी सिलसिला पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी जारी रहा और 1964 में ज़राती व खैती हशरातियात एग्रीकल्चर नेमेटोलॉजी में उनकी तहकीक के लिए पीएचडी की डिग्री तफवीज की गई। ज़राती और खैती हशरातियात, जिसकी तालीम को अंग्रेजी में नेमेटोलॉजी कहते हैं, खैती हशरात पर बाकायदा साइंसी तहकीक 19वीं सदी के आगाज में शुरू हुई, जब मगरिब में खैती हशरात ने गन्ने की फसलों को तबाह बर्बाद करना शुरू कर दिया था। लेकिन जहां तक इस इल्म के हिंदुस्तान में आने की बात है, तो ये कहा जा सकता है कि शमीम जयराजपुरी उन साइंसदानों में हैं जिनका शुमार इस इल्म की इब्तिदा करने वालों में किया जाता है। ज़िंदगी में अगर मैं चारों तरफ देखता था तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही नुस्खा था या एक ही हथियार था मेरे पास, और वो था कि मेहनत। जितनी मेहनत मैं कर सकता हूँ, और नौजवानी में आदमी अगर मेहनत नहीं करेगा तो फिर कब करेगा। तो मैंने ये सोचा बीएससी के बाद कि मुझे मेहनत से अपना मुकाम बनाना है, क्योंकि आप जानते हैं दुनिया में अगर आप देखें तो 100 में से कोई एक या दो आदमी सुपर इंटेलिजेंट होता है। हर आदमी एक औसत दर्जे का होता है और वही आगे निकल मैदान मार लेता है जो मेहनत करता है। तो ये बात मेरे समझ में आई कि भाई बग़ैर मेहनत के तो कुछ नहीं होना है। तो मैंने एमएससी में मेहनत बहुत ज़्यादा की, यहाँ तक कि आप ये समझिए रात में 1-1.5 बजे से पहले कभी वापस नहीं गया, और वो आदत मेरी बहुत ज़माने तक रही। तो एमएससी में मैं बहुत ही अच्छे नंबरों से कामयाब हुआ, इतना हुआ कि लोगों ने मतलब मेरी तरफ़ देखना शुरू किया कि भाई ये लड़का बहुत अच्छा पढ़ने में। इस तरह से मुझे कुछ सेटिस्फैक्शन मिला, लेकिन जाहिर है सिर्फ एमएससी कर लेने से ज़िंदगी में कुछ नहीं हासिल होता। मैंने पीएचडी में दाखिला लिया और मैं ये चाहता था कि मैं इस रिसर्च को इतनी अच्छी तरह से करूं कि उस वक्त शायद मेरी शनाख्त बन सके। बहरहाल मैं 2-2.5 साल तक दाखिले के बाद, बल्कि दाखिला लेने के बाद पीएचडी सबमिट करने तक वालिद वालदा मेरे बाहयात थे, बार बार बुलाते थे, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं पीएचडी ख़त्म करके ही आऊँगा। एक मिशन के तौर पर आया हूँ और मैं पीएचडी की थीसिस आपके हाथों पर ला के रखूँगा। और आप यकीन मानिए कि मैंने दिन रात मेहनत करके करीब 2.5 साल के अंदर अपनी थीसिस को मुकम्मल किया। और उस वक्त जब मैं हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट प्रोफेसर मोहम्मद अब्दुल बसीर खान साहब बाहयात थे, उन्होंने जैसे ही मैं पीएचडी लेके उनके पास गया, और गालबन वो मुझे बहुत ही इनहमाक के साथ मेरे ऊपर नज़र रखते थे, उन्होंने फौरन मेरे अपॉइंटमेंट का ख़त यूनिवर्सिटी को लिख दिया। और मैं उसके बाद बहुत खुश अपने वालदैन से मिलने आज़मगढ़ गया, और मेरी खुशी का कोई इंतहा नहीं जब मुझे अपॉइंटमेंट लेटर 2 हफ्ते के बाद मैं वापस आया, मुझे अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल गया जिसकी तमाम एवरेज फैकल्टीज़ हों, उसके लिए मेहनत ही एक रास्ता है। तो मैंने कहा भाई ये मेहनत मैं इसलिए नहीं छोड़ दूंगा कि मैं अब लेक्चरर हो गया हूं या मैं जो है पीएचडी कर ली है। और मैं दिन रात मेहनत करते हुए कुल 28 साल की उम्र में, जो अपने में खुद एक रिकॉर्ड न सिर्फ अलीगढ़ में है बल्कि मैं समझता हूँ कि आज तक दुनिया में भी किसी ने 28 साल की उम्र में डीएससी नहीं किया होगा। अपनी तकर्री के 3 बरस बाद 1965 में प्रोफेसर शमीम जयराजपुरी रिश्ते उज़दवाज में मुंसलिक हो गए और डॉक्टर दुर्दाना, जिनका ताल्लुक सीतापुर के एक मुअज्ज़ज़ ख़ानदान से है, उनकी अहलिया बनी। प्रोफेसर शमीम जयराजपुरी 3 बेटियों शीबा, जेबा और दीबा के वालिद हैं। जहां एक तरफ उन्होंने अपनी बच्चियों को जदीद तालीम से आरास्ता किया, वहीं खुद अपनी तरह उन्हें अपने दीगर काम खुद सर अंजाम देने की तरबियत भी दी ताकि वो अपनी समाजी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा सके। कहते हैं कि जिन बेटियों की शक्ल अपने अब्बा से मिलती है वो बड़ी खुशकिस्मत होती हैं। मैं इस बात पे मोहर लगाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वाकई में
मैं काफ़ी खुशकिस्मत हूँ हर मामले में. पहले तो इतने बड़े साइंटिस्ट की बेटी हूँ. हालांकि इसका उन मेरी और उनकी रिलेशनशिप पे ऐसा कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, क्योंकि जब वो मेरे साथ होते हैं तो एक बहुत ही आम इंसान जो बेहद मोहब्बत लुटाता है अपनी औलादों पे, और कभी गैर ज़रूरी सख्तियाँ नहीं की उन्होंने हम पे. सिर्फ वही सख्तियाँ की जो एक बच्चे के लिए ज़रूरी होती हैं चीज़ें सीखने के लिए ज़िंदगी में. सबसे अच्छी चीज़ जो सिखाई है वो ये है कि कुछ भी करने से डरो मत, गलतियाँ करो, जायज़ गलतियाँ करो. और हर इंसान गलतियाँ करता है, बहुत आम बात है ये, बट ख़ास उसमें यह है कि तुम अपनी गलतियों से सीखती क्या हो. अलीगढ़ के माहौल ने शमीम जयराजपुरी की तालीमी और तहकीकी सलाहियतों को मज़ीद जिला बख्शी. वो शोबे हैवानियात में 1983 में नस्बता काफ़ी कम उम्री में प्रोफेसर बने. 1988 में वो शोबे हैवानियात के सदर बने और 1993 से 1995 तक वो फैकल्टी ऑफ साइंस के सरबराह रहे. फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंसेस के वजूद में आने के बाद वो एक बार फिर इसके डीन मुकर्रर किए गए. प्रोफेसर शमीम जयराजपुरी की मेहनत व मशक्क़त और तवानाई का अंदाज़ा उनके तहकीकी कामों और उनकी दीगर इल्मी और इंतज़ामी सरगर्मियों से बखूबी लगाया जा सकता है. खैती हशरात, निबातात व ज़रई के तहकीककार की हैसियत से उनकी पिजीराई दुनिया भर में हुई और इसी तहकीक ने उन्हें एक मुनफरिद मकाम पर पहुँचा दिया. अपनी तहकीकात पर मबनी नतायज को उन्होंने तकरीबन 20 से ज़ायद किताबों और यक मौजूई रिसालों यानी मोनोग्राफ्स और 350 से ज़ायद तहकीकी मकालों की शक्ल में शाया किया. इसके अलावा उन्होंने मुतअद्दिद किताबों में खुसूसी असबाक लिखकर भी तआवुन किया. ये सभी असबाक उनकी ज़ाती तहकीक पर मबनी है. प्रोफेसर शमीम जयराजपुरी को ये एज़ाज़ हासिल है कि उनके 80 से ज़ायद तहकीकी मकाले हॉलैंड के एक जरीदे नेमाटोलॉजिका ने शाया किए, जबकि फ्रांस के जरीदे रिव्यू डी नेमाटोलॉजी ऑफ फ्रांस ने उनके 40 से ज़ायद मकाले शाया किए. प्रोफेसर शमीम जयराजपुरी ने बैनुल अक्वामी सतह पर अपने तहकीकी कामों में दीगर लोगों के साथ इश्तराक किया और न सिर्फ दुनिया भर के साइंसदानों को शरीक किया बल्कि उनको तआवुन भी दिया. प्रोफेसर मोहम्मद शमीम जयराजपुरी तकरीबन आधा दर्जन से ज़ायद कौमी और बैनुल अक्वामी इल्मी सोसाइटियों के मेम्बर हैं. 1979 और 1981 के दरमियान नेमाटोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के सदर रहे. प्रोफेसर मोहम्मद शमीम जयराजपुरी की सरबराही में उनके 28 तालिब इल्म डॉक्टर ऑफ़ फ़िलासफ़ी की डिग्री से सरफराज हो चुके हैं और इतनी ही तादाद ने मास्टर ऑफ़ फ़िलासफ़ी की डिग्री हासिल की है. MSc के बाद 2001 में मैंने ज्वाइन किया है यहाँ PhD में. जस्ट वो है हमारा प्रोफेसर शमीम जयराजपुरी सर जो है, इनके स्टूडेंट के अंदर मेरे PhD के हैं प्रोफेसर वसीम अहमद साहब. वन ऑफ द बेस्ट, मतलब कि बहुत अच्छे इनके पढ़ाने के स्टाइल जो है, जैसे कि हम लोगों को स्कूल डेज में जस्ट टीचर पढ़ाते थे हाथ वो कर करके, मतलब कि दिखा दिखा के ये है वो है, इस तरह के पढ़ाते हैं. मतलब कि हम लोगों को नहीं लगता इतना बड़े साइंटिस्ट हो के भी स्टूडेंट की रिलेशन जो इतना नज़दीक में स्टूडेंट के साथ रहेंगे, मुझे उम्मीद नहीं होता था. मतलब कि मुझे नहीं लगता था इतना बड़े आदमी इस तरह के स्टूडेंट के साथ रिलेशन होगा. प्रोफेसर मोहम्मद शमीम जयराजपुरी को उनके खैती हशरात पर असलन तहकीकी कामों का एतराफ़ करते हुए दौलत मुश्तरका ज़रई ब्यूरो यानी कॉमनवेल्थ एग्रीकल्चर ब्यूरो लंदन ने 1981 से 1983 तक प्रिंसिपल नेमाटोलॉजिस्ट मुकर्रर किया. ये एक काबिल फ़ख्र मर्तबा था जो उनको तफवीज़ किया गया. हुकूमत हिंद ने प्रोफेसर जयराजपुरी की एक इंतहाई और बारुतबा मकाम पर तकर्री की जो उनके शोबे हयातियात में उनकी तहकीकी काविशों और उनकी इंतज़ामी सलाहियतों का एक और एतराफ़ था. वो डायरेक्टर जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ओहदे पर फायज़ किए गए. वजारत माहौलियात और जंगलात के तहत होने के सबब ये ओहदा हुकूमत हिंद के सलाहकार की हैसियत रखता है. इस ओहदे की वजह से उन्होंने हुकूमत हिंद को सलाहकार की हैसियत से हयातियात के शोबे में गिराकदर मशवरे दिए जिनकी बुनियाद पर आगे की पॉलिसियां मुरतब की गईं. The DSI was a great challenge.
16 रीजनल स्टेशंस को और उस ज़माने में जब ये 2.5 साल रहे हैं तो इन्होंने बहुत मेहनत से उसको पटरी पे ला के खड़ा कर दिया था। शायद यही वजह है कि अलीगढ़ ने अपने इस हुनरमंद तालिबे इल्म को पहले तो उस्ताद के ओहदे पर फायज किया, फिर अक्सर खासी अहम जिम्मेदारियां भी सौंपी। इन्हीं जिम्मेदारियों में एक है ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। बानी डायरेक्टर की हैसियत से यूनिवर्सिटी ने उन्हें ये जिम्मेदारी 1993 में दी, जिसका आगाज इस छोटी सी हवेली से हुआ। और सिर्फ 3 बरस के छोटे से वक्फे में प्रोफेसर जयराजपुरी की आला तालीमी और इंतजामी सलाहियतें परवान चढ़ीं। मैं समझता हूं कि ये मेरी खुशकिस्मती है कि 1 साल के अंदर मैं 2.6 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हासिल करके, एक मुझे पुरानी बिल्डिंग दी गई थी उसको रेनोवेट करके, तो मैंने फ़ौरन डिपार्टमेंट शुरू कर दिए, 4 डिपार्टमेंट्स इस्टेब्लिश करने को मुझे दिए गए और साथ साथ एक नई बिल्डिंग भी मैंने उसकी बनवानी शुरू की, जो आज भी दोनों बिल्डिंगें कायम हैं। और इस तरह से यूनिवर्सिटी में आज से आप समझिए कि 93 में यानी 7 और 8 साल 15 साल पहले इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर का क़याम हुआ। इस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में जदीद तालीम हाजिर की ज़रूरियात के ताल्लुक से 4 अहम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट शुरू किए गए, जिसके ज़रिए तलबा न सिर्फ काश्तकारी की जदीद तालीम हासिल करते हैं बल्कि आज के दौर का एक अहम शोबा एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट का इल्म भी हासिल करते हैं। ये इंस्टीट्यूट प्रोफेसर जयराजपुरी का अलीगढ़ को एक हसीन नजराना है। प्रोफेसर मोहम्मद शमीम जयराजपुरी का उर्दू जुबान से गहरा लगाव रहा है। उन्होंने अपनी खुदनविश सवान हयात उर्दू में लिखकर इसका सबूत भी पेश किया। एक मशहूर मकूला है कि आप जिस चीज से रगबत रखते हैं वो आपको हासिल हो जाती है। इस मकूले पर प्रोफेसर मोहम्मद शमीम जयराजपुरी की जिंदगी का हर लम्हा सादिक होता नजर आता है। शायद ये उर्दू से रगबत ही थी कि एक मशहूर जमाना साइंसदान प्रोफेसर मोहम्मद शमीम जयराजपुरी 9 जनवरी 1998 को हिंदुस्तान की पहली उर्दू यूनिवर्सिटी के बानी वाइस चांसलर मुकर्रर हुए। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की बात है, थोड़ी सी मुझे घबराहट हुई थी। आपको सच बताऊं, जिस वक्त फ़ोन पे मिनिस्ट्री से ऑर्डर आया था, फ़ोन पे बताया था, तो मैं नमाज़ पढ़ रही थी असर की, तो मुझे अभी भी याद है नमाज़ पढ़ी, तो मेरा हलक सूख गई थी उस वक्त। या समझिए कि मतलब ये बहुत बड़ी चीज़ है जो शमीम को मिल रही है, और कैसे हो पाएगा ये। मैं डाउट नहीं करती थी उनको, मगर ये कि एक जो है कि एक हल्की सी परेशानी सी ज़रूर थी। हैदराबाद में उर्दू यूनिवर्सिटी के क़याम अपने आप में एक चैलेंज था। इसके बावजूद प्रोफेसर शमीम जयराजपुरी ने इस चैलेंज को कबूल किया। बानी वाइस चांसलर की हैसियत से अपनी तकर्री के अहकामात और यूनिवर्सिटी एक्ट की कॉपी उनका कुल सरमाया थे। रेडी डिस्ट्रिक्ट में आती है और मुझे यहाँ की कलेक्टर ने जॉइंट कलेक्टर मिस कुमुदनी को भेजा था, और जो ज़मीन उन्होंने मुझे दिखाई थी तो वो ज़मीन दिखाई थी, वो कि मुझे 200 एकड़ ज़मीन देने का वादा किया गया था, लेकिन वो ज़मीन जब मुझे दिखाई गई तो सबसे बुरा हिस्सा दिखाया गया। शायद एक तरह से मुझे कुछ डिस्करेज करने की कोशिश की गई कि भाई यहाँ बनाना बिल्डिंग, उन्होंने कहा कि आपको तो 2500 साल लग जाएंगे इसको डेवलप करने में, तो मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, इंसान ही है जो हर चीज़ को कर लेता है और इंशाल्लाह मैं भी कर लूँगा। हैरत इस बात पे होती है कि उन्होंने देखते ही देखते जैसे ही वो आए हैं और हर काम को उन्होंने उसी दिन कर निपटाना ज़रूरी समझा, और बड़ी जिस खुश उसलूबी के साथ उन्होंने हालात ऐसे पैदा किए कि देखते ही देखते उन्हें ज़मीन उर्दू यूनिवर्सिटी के लिए मुहैया हो गई गच्ची बावली में 200 एकड़ की। अगरचे उस वक्त चारों तरफ वो चट्टानें थीं और ऐसा इलाका था जहाँ किसी इमारत की तामीर
اتنی آسانی سے ممکن نہیں تھی۔ مولانا آزاد نیشنل یونیورسٹی کے تصور اور خواب کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کا کام پروفیسر شمیم جیراجپوری نے حیدرآباد یونیورسٹی کے گیسٹ ہاؤس کے ایک کمرے سے کیا، جو بیک وقت ان کی رہائش بھی تھی اور ان کا دفتر بھی۔ بعد میں ٹولی چوکی میں کرائے کی دو عمارتوں سے اس کام کا آغاز ہوا۔ اس میں سے ایک عمارت سابق چیف جسٹس آندھرا پردیش سید شاہ محمد قادری کی تھی اور دوسری عمارت جنوبی ہند طرز کے ایک مندر کے قریب دفتر کے لیے منتخب ہوئی۔ پروفیسر شمیم جیراجپوری نے اپنے طریقہ کار سے اس بات کا عموماً مظاہرہ بھی کیا ہے کہ کسی بڑے کام کو کرنے کے لیے لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا اس کام کو سر انجام دینے کی پہلی سیڑھی ہے، اور ساتھ ہی کسی بھی جماعت یا ٹیم کے ہر فرد کی انفرادی اہمیت ہوتی ہے، جس کا ہر ٹیم لیڈر یا میر کارواں کو وقتاً فوقتاً اظہار کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اسی بات سے ہی پوری ٹیم میں درکار جوش و ولولہ قائم رہ سکتا ہے، جو بالآخر بڑے سے بڑے کام کو سر انجام دینے میں مفید ثابت ہوتا ہے۔ مولانا آزاد نیشنل یونیورسٹی کا افتتاح جناب اندر کمار گجرال نے 28 دسمبر 2002 کو کیا۔ کہ وائس چانسلرشپ کو قبول کیا، اس میں جو سب سے بڑا اہم فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس یونیورسٹی کو اس انداز سے اسٹیبلش کرنے کی کوشش نہیں کی کہ جہاں غالب پہ اور میر پہ اور داغ پہ اور مختلف ادیبوں پہ اور شاعروں کے اوپر ریسرچ ہو اور وہاں ان کے سلسلے میں کام کیا جائے، بلکہ انہوں نے ابتدائی دور سے ہی اس بات کا فیصلہ کیا کہ یہاں پہ اس قسم کے کورسز جو ہیں اس کو شروع کرنے کی ضرورت ہے، جو جاب اورینٹیڈ ہو، پیشہ ورانہ کورسز ہوں، اور سائنس کی بیک گراؤنڈ جو ہے اس کو دینے کی کوشش کی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہی وجہ ہے کہ اس سے نکلنے والے اب جو طلباء ہیں ان کو اس سے بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ اور یہ کوئی معمولی کارنامہ شمیم جیراجپوری کا نہیں ہے کہ پروفیسر شمیم جیراجپوری اگرچہ سائنس کے تھے مگر ان کی تنظیمی صلاحیتوں کا ہو سکتا ہے اور لوگوں کو اندازہ ہو، اور پھر وہ اس یونیورسٹی سے آئے تھے جس کا پورا ماحول اردو کا رہا ہے، کسی زمانے میں اردو کا تھا، تو کچھ وہ جذبہ بھی ان کا کام کرتا تھا، ایک محبت اس زبان کے لیے، اس زبان اور اس کلچر سے، اردو تہذیب سے ان کی جو محبت ہے اس کا عملی روپ جو ہے اس یونیورسٹی کی شکل میں ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ آج جس شکل میں مولانا آزاد اردو یونیورسٹی موجود ہے، نہ صرف اس کا بلکہ آنے والے وقتوں میں بھی اس کی جو شکل و حیثیت ہوگی وہ پروفیسر محمد شمیم جیراجپوری کی کاوشوں کی مرہون منت ہوگی۔ انہوں نے طے کیا کہ یہاں پر اردو ہی کی صرف تعلیم نہیں ہوگی، ہے تو نام مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، لیکن یہاں پر اصلی تعلیم بھی ہوگی، یہاں پر سائنس اور ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر یہ سب کورسز انٹروڈیوس ہوئے۔ ساتھ ہی انہوں نے، چونکہ میرا تعلق دوردرشن سے بھی برسوں رہا، تو انہوں نے کہا بھائی میں ڈپارٹمنٹ آف ماس کمیونیکیشن اور جرنلزم قائم کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا میڈیا سینٹر اس لحاظ سے ہندوستان کا پہلا مرکز ہے جس نے اردو صحافت کی ترویج و ترقی کو اپنا مشن بنایا ہے۔ بے انتہا مختصر عرصے میں باؤنڈری وال سے لے کے فائنل منزل تک تکمیل کی، بلکہ اس میں سسٹم آف ایجوکیشن، اس میں جو شعبہ جات اور جو کام اس مختصر سے عرصے میں کیا، اور ہندوستان کے مختلف دیگر شہروں میں اس کے مراکز قائم کیے، اردو اور اردو کے چاہنے والوں کے لیے یونیورسٹی سے ربط اور یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کرنے کا جو لوگوں میں ذوق تھا اس کو انہوں نے پائے تکمیل تک پہنچا لے، اس کے لیے یہ بڑے قابل مبارکباد ہیں۔ پروفیسر محمد شمیم جیراجپوری نے بانی وائس چانسلر کی حیثیت سے حیدرآباد میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے قیام میں جو کردار ادا کیا وہ ناقابل فراموش ہے۔ مولانا آزاد اردو یونیورسٹی حیدرآباد کو انہوں نے ابتدائی میں جس مقام پر پہنچا دیا وہ ملک اور ملت اور جانثاران اردو پر ایک احسان عظیم ہے جسے وہ کبھی فراموش نہیں کر سکیں گے۔ پروفیسر محمد شمیم جیراجپوری جیسی علمی شخصیت کے لیے
اعزازات و خطابات کی کمی پڑ جائے گی، مگر ان کی حصولیابیاں کم نہ ہوں گی۔ ان کی زندگی پر نظر ڈالنے کی اس چھوٹی سی کوشش کے بعد یہ بآسانی کہا جا سکتا ہے کہ ان کی زندگی جہاں ایک طرف اہل اردو کے لیے باعث فخر ہے، وہیں قوم و ملت کے نوجوانوں کے لیے بھی ایک مثال ہے۔ ایک ایسی مثال جس نے ساری زندگی محنت اور صرف محنت کو ہی کامیابی کا سنگ بنیاد مانا۔ ان کے حیات اور کارناموں کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی بھی کارواں کا میر کارواں اگر پروفیسر محمد شمیم جیراجپوری جیسی شخصیت ہو تو وہ کارواں تا حیات تمام مشکلات کو بآسانی حل کرتا ہوا زندگی کے سفر میں اپنے منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔